सास बहू और बेटिया पहुंच चुका है तारक मेहता के सेट पे और सास बहू बेटिया एंड तारक मेहता का रिश्ता 11 साल पुराना हो गया है और आज उसी की पार्टी है इसलिए हम आ गए हैं सेट पे और यहाँ पर है टप्पू सेना. सो वेलकम टू सास बहू बेटिया. थैंक यू. थैंक यू. तो ये 11 साल का सफर, सबसे पहले तो अगर रिकैप बोलें तो आपको याद है पहला दिन और आज का दिन, व्हाट वाज इट? डेफिनेटली पहला दिन और आज का दिन ही याद है, बीच का शायद मिस हो जाता है. नहीं भूल नहीं गए पर कभी कभी कॉन्टेक्स्ट में याद आता है कि ओ शिट वो भी हुआ था वैसा. मुझे जेन्युइनली पहला दिन तो याद ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद मुझे एक एपिसोड याद है जो मुझे अभी भी बहुत मेरा फेवरेट एपिसोड है, जहाँ पे हम लोग ने सिर्फ अंडरवेयर पहनी थी और पूरी टप्पू सेना ने फेवरेट एपिसोड पूरी टप्पू सेना ने सिर्फ अंडरवेयर पहनी थी और पिंकू ने सिर्फ ग्रीन अंडरवेयर पहनी थी और हम लोग ने बोला था क्या ग्रीन अंडरवेयर पहने क्योंकि हम सब ने वाइट पहनी थी. कम्प्लीटली ऑब्वियसली इज कम्प्लीटली स्ट्रेट अप वैसे खाली बोल रहा है. हाँ जी हाँ जी, पहला दिन तो याद है ऑब्वियसली. पहले दिन तो नो क्लू कि हमें वैसे ब्रीफ दिया गया था कि हम टप्पू के फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं था कि व्हाट आर वी डूइंग एग्जैक्टली, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या रोल है भी, मतलब क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो हमको पता ही नहीं था क्या शो भी किस बारे में है, व्हाट इज़ तारक मेहता, व्हाट इज़ दुनिया ने ऊंधा चश्मा जो आर्टिकल पे से ये अडॉप्ट किया है, हमको कुछ पता ही नहीं था. तो उसके बाद धीरे धीरे सिंक इन करते करते आज का दिन हो गया है जब हमको सब पता है. सो 11 साल हो गया एंड यू आर अ अहम हिस्सा एंड ही इज द करेक्ट बीइंग टप्पू इज अ रिस्पांसिबिलिटी आल्सो क्योंकि जब आप शो में आए होंगे टप्पू सेना इज ऑलरेडी पॉपुलर सो हाउ यू अडैप्टेड. हाँ काफ़ी जब मुझे मेरा पहला दिन याद है काफ़ी मैं डरा हुआ था, नर्वस था, काफ़ी कॉन्शियस था कि लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे कैसे. हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको अच्छा क्योंकि बात किया था मैंने उससे और बहुत ही कंफर्टेबल मैंने फील कराया था क्योंकि बीएमएम वाले अगर मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो. रैगिंग किया था उसने कुछ भी बोल रहा है वो भी कुछ भी बोल रहा है. ऑफेंस मैं जाऊंगा जेल में मत बोल. नहीं तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है 3 साल की भी मेरी. मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि 3 साल ही हुए हैं सिर्फ. मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि 11 साल से मैं भी इस शो का हिस्सा हूँ क्योंकि मैं भी तारक मेहता पहले से ही फॉलो करता था. जब टप्पू की शादी हुई थी जब बचपन में, तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ शो को. तो मेरे साथ लाइक मेरे 3 साल के यू नो 3 साल के साथ साथ 11 साल के ही मेरी जर्नी रही है. मेरी भी कैरेक्टर गोली था ना तभी. हाँ टप्पू था. टप्पू सेना में सिर्फ 5 लोग नहीं आते, पूरी व्यूवर्स में भी जितने टप्पू सेना वो भी टप्पू सेना में, इतने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सब टप्पू सेना ही है. लिटरली मैंने तो ऐसा सुना है कि कोई आके बोलते कि हमारे सोसाइटी में जितने भी बच्चे उन्होंने उनकी सेना बना ली है वहाँ पे एंड दे वो भी हाँ वो वैसा भी हमारे जैसा करते हैं. सो बहुत मजा आता है यार ये सब सुन के क्योंकि हम सिर्फ मस्ती नहीं करते हैं ऑन एपिसोड, सिर्फ मस्ती नहीं करते बल्कि कुछ मैसेज भी देते हैं या कुछ अच्छा काम भी करते हैं, तो वो अगर बच्चे सीखते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है यार. ऑन स्क्रीन तो हम आपकी दोस्ती देखेंगे, ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग है, कौन किसके कितने मजे लेता है, हू इज द टांग खिंचाई, वो तो सब बैलेंस हर कोई टिकता है तभी रिलेशनशिप टिक पाता है. कोई किसी से कम नहीं यहाँ पे, हम सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं. सोया भी हो तो उतना कर्टसी नहीं होता है कि आप कि कोई बात ना हाँ सो रहा है होता ही नहीं, उठा के पूछते भाई तू सो रहा है, अच्छा सो जा तो ऐसा हमारा होता रहता है. और हमारे जो गोली जी हैं कुश शाह, रूम्स में लॉक सिस्टम का वो हमारा है, 2 रूम्स है, मतलब एक रूम में मैं और टप्पू रहते हैं और एक रूम में पिंकू और गोगी रहते हैं. तो वो 2 रूम में से आज तक हमको नहीं पता है कि हमारा वाला रूम कौन सा है उसको हमारा रूम, क्योंकि लॉक वाला सिस्टम ही नहीं है. इतना पछाड़ के दरवाजा का लॉक ही तोड़ दिया है. आपको मैं फोटो भेजूंगा अगर पॉसिबल हुआ. 11 साल नहीं लगा उसको, सो 11 दिन लगा टूटने में, जब नए मेकअप रूम बने थे तब हो गया था ये. तो ये है रिलेशनशिप हमारा. तो अपने 11 साल की जर्नी के लिए ऑडियंस को क्या बताएंगे, कैसा रहा पूरा सफर एंड उनका साथ कितना रहा, किस तरह साल बढ़े, नाम बढ़ा, काम बढ़ा, पैसे बढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा आपका प्यार बढ़ा, ये कहना चाहेंगे हम. यस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. दोस्ती के लिए कुछ कहेंगे आप लोग कि इस तरह की दोस्ती की मैसेज कि आप लोग इस तरह दोस्ती. यस ये तारक मेहता को भी 11 साल बेमिसाल हुए हैं, तो ये हमारी दोस्ती भी बेमिसाल ही है. हमारी दोस्ती के किस्से किए मतलब चर्चे किए जाते हैं, सब बच्चे कहते हैं कि मैं एक किस्सा बोलना चाहूँगा कि जब गोली का 10th था और तब उसने लीव ली थी शूट से कि मुझे
मुझे मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन तभी मैं बहुत रोया था कि नहीं यार कुछ क्यों जा रहा है, जेन्यूनली ये 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 सीन हुआ था, मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं तो एक महीने के लिए गया था, ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में पढ़ने जा रहा हूँ, छुट्टी ली थी सर वैसा ली थी, लेकिन मैं इतना रोया था कि मतलब नहीं यार कुछ किधर भी मत जा वैसा, तो ये एक है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और इसी के साथ आज 11 साल का जश्न है, तो कैसा सेलिब्रेशन सेट पे होने वाला है? अनप्रिडिक्टेबल है वो तो बहुत ज़्यादा। गुस्सा मत कर यार। नहीं नहीं, मैं गुस्सा इसके लिए हुआ क्योंकि 26 आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी करता है, बहुत अनप्रिडिक्ट। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, अरे आई जस्टिफाई माई सेल्फ, मैं ऐसा बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा वो बोलना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा क्योंकि 26 आर्टिस्ट हम लोग जब एक साथ मिलेंगे और हमारी पूरी क्रू मिलेगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मार रहा है।